कॉन्वर्सेशन विद विवेक शर्मा का 100वां एपिसोड यहाँ नाने घाट में रिकॉर्ड हो रहा है। और आज स्पेशल डे है किसका? श्री अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे, 80वां बर्थडे। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर बच्चन। दादा, आपने मेरे अंदर के फिल्मकार को जन्म दिया, सपोर्ट किया। धन्यवाद आप सबका जिन्होंने कॉन्वर्सेशन विद विवेक शर्मा के 100 एपिसोड बनाने में मेरा सहयोग दिया। आप नहीं होते तो मैं बोल नहीं पाता, आपसे जुड़ नहीं पाता। और ये देखिए, हम कुदरत के बीच में हैं, अपना 100वां एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम ये सीरीज जो हमने जिस मुद्दे से बनानी शुरू की थी वो क्या था? हमारे अंदर की घुटन निकले बाहर, पॉजिटिविटी बाहर आए। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है? कुदरत। ये जो बादल देख रहे हैं आप, ये जो आप ओस की बूंदें देख रहे हैं, जो आप सरसों देख रहे हैं, ये इससे जुड़ना है आपको। यही मेरा मेन मकसद है। कॉन्वर्सेशन विद विवेक शर्मा का मेन मकसद है आपके अंदर वो नेचुरल एलिमेंट जगाना जो नेचर का है। देखिए, सूर्योदय के समय सुबह 7:30 बज रहे हैं। मैं, सुनील और सुरेश, हम लोग लोकेशन के काम से भी बाहर निकले हैं और ये एपिसोड भी बना रहे हैं। 100 एपिसोड हो गए, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और अब बहुत जल्दी ये एक टीवी सीरीज बनकर आने वाला है आपके सामने, जहां पर मैं और इंटरेस्टिंग गेस्ट्स इनवाइट करूंगा, इंटरेस्टिंग बातें करूंगा, मगर सिलसिला थमेगा नहीं। आज हमने स्पेशल ये लोकेशन चुनी है ये एपिसोड बनाने के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जैसे नेचर नेचुरल है, एक अपना रंग हमेशा, सुबह उसका रंग अलग होता है, दोपहर को अलग होता है, शाम को अलग होता है, वैसे ही जिंदगी आपकी खिलखिलाती रहनी चाहिए, हंसती रहनी चाहिए, आपके जीवन में रंग बनते जाएं, जुड़ते जाएं और खिलते जाएं। और आपको ये भी बताएं कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने फोटोशूट के लिए बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं। बार बार हम लोग जो है कार रोक रोक के फोटोज खींचते जा रहे हैं, कपड़े चेंज करते जा रहे हैं। जिंदगी का मजा यही है, जिंदगी का आनंद यही है। बाहर निकलिए, अपनी घुटन से बाहर निकलिए, अपने ब्रैकेट से बाहर निकलिए। चर्च गेट टू बोरीवली लाइफ नहीं जीना है, आपको हिंदुस्तान भी देखना है, 29 स्टेट भी देखने और पूरा विश्व देखना है। कॉन्वर्सेशन विद विवेक शर्मा की तरफ से मैं आप सभी को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देता हूँ जो इतने सक्सेसफुल सीरीज बनाई। और बहुत जल्द मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से टेलीविजन में जुड़ूंगा। यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म पे चलता रहेगा और टीवी में भी ये शो चलता रहेगा। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ट्रैवल कीजिए और अपने आप को जानिए। जीवन एक उत्सव है, जैसे आज बच्चन साहब का बर्थडे एक उत्सव है, बिल्कुल वैसे ही जीवन एक उत्सव है, तो मनाइए। किसने आपको रोका है? सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, क्या बादल किसी से पूछ के उड़ रहे हैं? क्या पंछी किसी से पूछ कर उड़ रहे हैं? तो आप क्यों अटके हुए हैं? अपने पंख फैलाइए और उड़ जाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।